ब्लॉक प्रमुख और ग्राम प्रधान ने मिलकर सैकड़ों जरूरतमंदों को बांटे कंबल, साल और जैकेट। सियाम बात कर रहे हैं वाराणसी के रोहनिया की, जहां पर भगवान विश्वकर्मा जन कल्याण समिति की ओर से निराश्रितों, बुद्धों, विकलांगों, विधवाओं को ठंड से राहत के उद्देश्य से जरूरतमंदों को कंबल वितरण किया गया। बता दें कि बभनिया गांव के विश्वकर्मा मंदिर प्रांगण में रविवार दोपहर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। ठंड से ठिठुरते लोगों को राहत पहुंचाने के लिए ग्राम प्रधान रत्नेश सिंह की ओर से जरूरतमंदों का चयन किया गया, जिन्हें कार्यक्रम में कंबल वितरित किए गए। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि रोटरी क्लब वाराणसी शिवगंगा के पदाधिकारियों विष्णु जैन, आनंद वर्मन ने कहा कि संस्था समाज की भलाई के लिए काम करती है, जिसका मकसद जरूरतमंदों की सेवा करना है। इसके लिए संस्था के सदस्यों ने ऐसे जरूरतमंद लोगों की तलाश की है जो वाकई इसके हकदार हैं। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि राजी लाइन ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि डॉक्टर महेंद्र सिंह पटेल ने कहा कि समाज के लिए कुछ करना सौभाग्य की बात होती है। आइए देखते हैं वाराणसी से संवाददाता राजकुमार गुप्ता की रिपोर्ट। अपने नौजवान साथियों और नन्हे मुन्ने बच्चे जो इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं, जो हमारे सम्मुख बैठे हैं, आप सभी लोगों को अभिनंदन वंदन करते हैं और नए साल 2020 के लिए आप सभी लोगों को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देते हैं। भगवान विश्वकर्मा के शांति प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोगों का जीवन खुशियों से भरा रहे, आपका जीवन अनवरत ऊंचा उठे। कल आपका इतना अच्छा हो कि आज जिस कार्यक्रम में आप शिरकत कर रहे हैं कंबल वितरण में, कंबल प्राप्त करने के लिए कल आप किसी को कंबल देने की योग्य बने, इसी आशा और विश्वास के साथ हम अपने मंच पे विराजमान अपने रोटरी क्लब वाराणसी शिवगंगा के अध्यक्ष, एक उद्देश्य है कि हम आप तक जरूरत की जो चीजें हैं पहुंचा पाए। इस क्रम में हमारे ब्लॉक प्रमुख जी महेंद्र सिंह जी, ग्राम प्रधान सुदेश सिंह जी का मार्गदर्शन अभी मिलता रहता है, जिससे हम आपका कार्य और आप तक पहुँच पाते हैं। इसी क्रम में आज कंबल वितरण, सूनी वस्त्र वितरण और जो और भी सुविधाएं हमारे पास थी उसको उपलब्ध कराए रहे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा नया वीडियो आने वाला आपको जल्द से जल्द मिल जाए और हमारे बेल आइकन को टैप करना ना भूलें।